मैथ्स जो है वो लेंदी होती है, मतलब उसे कोई 40 मिनट में 40 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करता है, या अगर एक घंटे में भी 40 क्वेश्चन करने हैं तो तब भी टिक करने का टाइम काट दो तो अराउंड एक मिनट में एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। इज दैट इवन पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? बच्चों को लगता है मैथमेटिक्स जो इन जनरल 11 12 की या 12 की मैथ्स जो आने वाली सीबीटी में उसे टाइम पे करना ही इज इन इटसेल्फ अ बिग ट्रबल। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है। इशू आता है टाइम कंस्ट्रेंट लगेगा, बट अगर तरीके से तैयारी करोगे तो नहीं लगेगा। अब कैसे? तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ओम राय, आई एम स्टडिंग इन जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मेरा फर्स्ट ईयर भी खत्म होने को है। तो जी हाँ, जो भी बच्चे जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे 95% आगे क्रॉस किया था मैथमेटिक्स में, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एक मिसकंसेप्ट दूर कर दूं, मेरे 200 में से 200 नंबर नहीं आए थे, मेरे 200 में से 120 नंबर आए थे, सिर्फ 200 में से 120 नंबर। और उससे पहले जब मैंने सीवीटी दो बार दिया, मैंने एक बार ड्रॉप लिया था, तभी मेरा फर्स्ट ईयर बना, कायदे से मेरा सेकंड ईयर होना चाहिए था। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सीवीटी दिया तब मेरे 200 में से 105 नंबर आए थे, तब भी मेरी परसेंटाइल 92 थी। तो मैथमेटिक्स में 200 में से 200 कोई नहीं ला रहा है। परसेंटाइल का मतलब समझते हो ना, परसेंटेज नहीं होता है, परसेंटाइल का मतलब जिन्हें नहीं पता वो जाकर मेरी वीडियो चेक कीजिए। इस वीडियो में मैंने नेगेटिव मार्क्स समझाया है, परसेंटाइल समझाया है, समझ जाओगे आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो बात कर लेते हैं कि उस सबसे आगे होना, परसेंटाइल मतलब बाकियों को हराना, वो कैसे हरा सकते हो आप लोग, उसकी तैयारी उसका तरीका मैं सिखाऊंगा, समझ लो इस बात को। तो आइए बात करते हैं, सिलेबस को पहले देख लेते हैं। चैप्टर टोटल 13-14 चैप्टर्स हैं, जिनमें से सबको मेन परेशान क्या करता है, कैलकुलस आई गेस, सबको डिफरेंशिएशन, बेसिकली इंटीग्रेशन परेशान करता होगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो बहुत इजी चैप्टर है गाइस, उसको छोड़ के मत जाना, बिकॉज वो कंपैरेटिवली मुश्किल नहीं है, बट अगर आपको कर भी रहा है तो ये 3 चैप्टर परेशान कर रहे होंगे। लास्ट का प्रोबेबिलिटी परेशान कर रहा होगा, ये 4 चैप्टर बेसिकली यार मोटा मोटी यही परेशान करते हैं ना। बाकी वेक्टर 3D को छोड़ भी दो, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्टिंग में है, आपका फंक्शंस वगैरह, ये सब कुछ उतने टफ चैप्टर नहीं है कंपैरेटिवली बात की जाए तो। कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, जिसको बिल्कुल नहीं आता वो सुनना मेरी बात, पूरा आराम से सुनो, मैं कंपैरिजन अभी सिखा रहा हूं कैसे ब्रेक करते हैं। बात ये आती है, बच्चों को लगता है आसान चैप्टर मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स और वेक्टर्स, तो वो तो नहीं आने वाला है ना, बच्चों को ये लगता है कि वो तो इजी चैप्टर्स है, वो उनसे क्वेश्चन थोड़ी आएगा, क्वेश्चन कहां से आएगा, इंटीग्रेशन से आएगा, डिफरेंशिएशन से आएगा, सब टफ टफ चैप्टर्स आने वाले हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, मैं बता रहा हूं, सीईटी दो बार दिया है, दोनों बार मैथ्स दिया है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट भर देते हैं पेपर में, इजी चैप्टर है, बट क्यों भर रहे हैं, आगे काम आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स अच्छे चैप्टर्स हैं, एनडीए के एग्जाम में भी बहुत आता था। तो जिन भी बच्चों को ये बात नहीं समझ में आ रही है अभी, जिन बच्चों को ये बात क्लियर नहीं हो रही कि भैया कौन से चैप्टर्स करें, तो फोकस करो उन चैप्टर पर जो आपको आते हैं, उन्हें ही रिवाइज करो। बिकॉज देखो एमसीक्यू के टाइम पे ना कोई बहुत सॉल्व नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा टाइम होता नहीं है, तो जो आपको आते नहीं इंटीग्रेशन के टफ टफ क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन निकालने के, आप 15 मिनट में सॉल्व भी कर लोगे, एक क्वेश्चन कर भी लोगे, उसका कोई फायदा नहीं, आके 20 क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो उन्हें नहीं करना है। जिन लोगों को आता है इंटीग्रेशन बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता है मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आखिरी के टाइम में आप उसे सीखने चल पड़िए, पहले पढ़ा हुआ तो रिवाइज करना इज अ डिफरेंट थिंग, नहीं पढ़ा है छोड़ दो, 2-3 चैप्टर छोड़ के जाना कोई बड़ी बात नहीं है। 50 क्वेश्चन आने हैं, 40 अटेम्प्ट करने हैं, एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 2 चैप्टर नहीं करके गए, 6 क्वेश्चन नहीं आते, बाकी इतने अच्छे से करें कि देखते ही आंसर मुंह से निकल रहा है, क्यों करूंगा मैं टफ चैप्टर्स, मैं करूंगा ही क्यों। तो यहां वो बात है कि मैं सच बताऊं, मैं खुद इंटीग्रेशन पढ़ के नहीं आता, बेसिक इंटीग्रेशन मुझे आती थी एकदम बेसिक, कि कॉस का साइन होता है, साइन का कॉस होता है, माइनस कॉस होता है, माइनस होता है, बेसिक जो इंटीग्रेशन होती है, कुछ इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला के रूल्स है, बस मैं वो याद करके गया था, उससे जी हाँ एक क्वेश्चन भी बन गया था। आपको भी यही करना है, बाकी चैप्टर्स को एकदम डीप प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, और जो चैप्टर को नहीं आते होंगे सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, सीवीटी में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत 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 बहुत, जितनी बार बहुत बोलूं उतना कम पड़ जाएगा, इतने आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहे होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला एकदम, आप क्वेश्चन देखो कि आंसर आ जाएगा, ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, और जी हाँ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मेरी बात को मानो, मैंने दो बार सीवीटी दिया है, 90% से ऊपर मैथ्स में दोनों बार आई है, हाँ लास्ट टाइम मार्क्स 100-105 के करीब थे, नेक्स्ट ईयर 120-125 गए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पर परसेंटाइल में बहुत फर्क आया, क्यों, 92% से मैं 97-98% तक पहुंच पाया, कैसे पहुंच पाया, क्योंकि भाई कोई 200 में से 200 ला ही नहीं सकता मैथ्स में, 50 में से 40 क्वेश्चन किसी के सही नहीं हो रहे, कोई कर ही नहीं पाता। मैथ्स के पेपर में अगर आपने 30+ क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं, आपको क्या सही हो जाएंगे, आप टॉप कर रहे हो, आराम से कर रहे हो, मतलब जिस बंदे के 40 में से 30 क्वेश्चन सही होते, दैट मींस कि आप 3-5 सेंट करो, 150 नंबर, 150 नंबर, 100% लिखवा लो कहीं पे, 100% आएगी आपकी, बट स्टिल लिसन टू मी, टारगेट तो यही करना है कि हमें 100% लानी है, तभी आपके 130-140 नंबर आएंगे, आप अच्छे हो। रियलिटी चेक दे रहा हूं मैं, 200 से 200 के लिए मत जाओ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर नहीं आती है, डिफरेंशिएशन इजी है कर सकते हो, बट आपकी मर्जी है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स, वो थोड़ा सा मेरे को भी टफ लगता था, बाकी आपकी मर्जी है, मैंने वो छोड़ दिया था, मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स
और इंटीग्रेशन, इनको दो चैप्टर उसको मैं बेसिकली छोड़ गया था। मेरे को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तो आती थी, एआई वाज अ गुड चैप्टर, और डिफरेंशिएशन भी मुझे मोटा मोटी आती थी, तो मैंने उनको किया था। मैंने दो चैप्टर छोड़े थे, कौन से? एक तो इंटीग्रेशन और एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मुझे दो काफी टफ लगे थे। आप दो या तीन चैप्टर आप भी जो आपको सबसे टफ लग रहा है आप छोड़ के जा सकते हैं। जी हाँ, छोड़ के जा सकते हो। कोई और बंदा यूट्यूबर कोई आके मेरी बात को गलत साबित कर दे तो वो उसकी मर्जी है। मैं अपना स्ट्रेटजी बताने आया हूं इस वीडियो में कि मैंने क्या किया था, कैसे मैं पहुंचा 97% तक। तो जी हाँ, यही तरीका है। जो चैप्टर मुझे आते हैं, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, आपका स्टार्टिंग में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, और भी जो एन नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, एओआई हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, जो मुझे आते थे मैंने 10 बार कर लिया, मैंने क्वेश्चन देख के सॉल्व कर दिया। हाँ, मुझे कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए होंगे, बिकॉज टाइम कम होता है ना, तभी मेरे 200 में से 120 ही आए, मतलब मेरे 8-10 क्वेश्चन गलत भी हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे, तभी नेगेटिव मार्किंग भी लग गई होगी वहां पर, बट स्टिल आई कैन गेट 97%। मतलब मैं 3% ही बच्चों के पीछे हूं, बाकी सब मुझसे पीछे हैं। परसेंटाइल का मतलब ये होता है बेसिकली, समझ लो। क्या ये एक अच्छी बात नहीं है? क्या इतना मार्क्स आपके लिए काफी नहीं है? आपको भी तो ड्यू में जाना है ना, टॉप के बच्चों के अमंग्स रहोगे तो ड्यू में जा पाओगे। टॉप के अमंग्स जाने का मतलब क्या है? 95% से ऊपर लाना है हर सब्जेक्ट में। आप ड्यू जा रहे हो, बड़े बड़े अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, जा सकते हो। जिसको जामिया जा रहा है वो तो चलो जामिया भी जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट निकालेगा। तो ये एक बहुत ही बेसिक तरीका है सब कुछ कवर करने। मत जाओ 200 से 200, कोई नहीं ला रहा ना आपको, लाने लाना भी मत, पागल हो जाओगे। इतना नहीं पढ़ना है, IIT JEE करना होना, अगर ऐसा करना तो वहां जाके कीजिए। यहां पर स्ट्रेटजी से काम कीजिए, दिमाग लगाइए कि जी हाँ भैया मेरे को इतना इतना करना है, अच्छा कॉलेज है, कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। जो टफ चैप्टर है बहुत ज्यादा उन्हें छोड़ दो, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मत छोड़ना। अगर नहीं भी आते तो इन दोनों को कर लो, बहुत क्वेश्चन आते हैं वेक्टर 3D से, बड़े क्वेश्चन आते हैं वेक्टर और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये तीन तो खास तौर से आसान चैप्टर है, इन्हें देते ही बहुत है। वो 100% लिखा लो, इन तीन चैप्टर से कम 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। हर एक चैप्टर 2-3 क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें करना। इसलिए इजी चैप्टर्स को 10 बार कर लो, ताकि आंसर देखो याद हो जाए, ताकि जो मुश्किल वाले ना उसमें थोड़ा सॉल्व करने का टाइम बच जाए, थोड़ा सा सॉल्व करने का टाइम हमें निकालना है, यहां से वहां देना है। यही मेरी स्ट्रेटजी थी, मैंने फटाफट से एक राउंड में मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और वेक्टर और 3D सबको कर दिया, AOI कर दिया, ताकि जो मुश्किल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस थे मैं उन्हें छेड़ पाऊं। मैं छेड़ पाया, शायद गलत भी हुए होंगे, नेगेटिव मार्क्स तो मेरे लगे ही, 125 तक गिर गया ना, 125 मार्क्स मेरे आई गेस आए थे, जिससे मेरी 98% बन गई थी, जो कि मोर देन इनफ है। आई गेस 140 वाला ही टॉपर हो जाता है। पर चल, आपको टारगेट क्या करना है? आपको टारगेट करना है मतलब 30 क्वेश्चन सही करने हैं। कैसे सही होंगे? 2-3 चैप्टर्स को छोड़ो जो आपको नहीं आते, बाकियों में पूरा जोर लगा दो, 2-3 बार करो। और कैसे? कोई एमसीक्यू की बुक जरूर सॉल्व करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, एक एमसीक्यू की वीडियो जरूर सॉल्व करना, वीडियो नहीं एमसीक्यू की क्या वो बुक ले लेना, किरण पब्लिकेशन की बुक ले लेना, बड़ी अच्छी होती है। किरण पब्लिकेशन की बुक लेना, CVT गाइड बाय किरण पब्लिकेशन, तो वो जरूर लेना, इट्स अ वेरी गुड बुक, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएंगे। कॉमर्स डोमेन वालों की तो बड़ी अच्छी बुक है, मैंने खुद पढ़ी है उससे। तो समझ लो, ये तरीका है मैथ्स को कैसे मैंने किया था गाइस, मैंने डिवाइड किया था सिलेबस को, क्या मुझे आता है क्या मुझे नहीं आता। जो मुझे आता है उसे बहुत अच्छे से कर लिया, एकदम रट लिया उसको, आंसर देख के याद हो गया था। जो मुझे नहीं आता उसके मैंने फॉर्मुलाज याद कर लिए, जो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है एटलीस्ट मैं वो मिस ना करूं। तो दिस इज द मास्टर स्ट्रेटजी, कुछ भी पूरा छोड़ के मत जाओ, कुछ भी पूरा रट के मत चले जाओ कि पूरी बुक करके चले जाएंगे, नहीं, कोई जरूरत नहीं। जो नहीं आते उनके फॉर्मुला रट लो, बेसिक क्वेश्चन जो MCQ टाइप है, खट से होने वाले क्वेश्चन, वो कर लो, बिकॉज वो आ सकते हैं। तो सारे फॉर्मुलाज रटने आपको किसके? मुश्किल चैप्टर्स के। इजी चैप्टर्स को 10 बार कर लो, पूरा पी जाओ कि पेपर देखो आपके हाथ से सॉल्व हो जाते। दिस इज अ बेसिक सिंपल स्ट्रेटजी, कोई मैं कहीं बाहर से पहाड़ से प्लान बना के नहीं लाया हूं, सिंपल स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो करी, आप भी ये फॉलो कीजिए। मुश्किल को छोड़ो, आसान के पीछे भागो। सुनने में कितना वैसा लग रहा है भैया आसान तरीके से कैसे पास हो जाएंगे, ऐसे ही पास होते हैं। जो कीप इट सिंपल वाली पॉलिसी फॉलो करता है वही CVT को टॉप करता है। बहुत मुश्किल काम करने से कुछ नहीं मिलता, समझ रहे हो? ये बात ध्यान रखना, जो भी बच्चे BBA BMS या फिर BCom honors and all, आपके PCM वाले भी कोर्सेज, बहुत से बच्चे जो लोग मैथ्स से जुड़े हुए कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं, उनको ये बात जरूर जाननी चाहिए कि मैथ्स एक बड़ा जंजाल है जिसे सॉल्व करना आसान है। जी, इट इज ईजी टू सॉल्व, हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन CVT 2024 या फिर किसी भी साल का CVT एग्जाम कैसे क्रैक करना है, इसका तरीका आसान है। सिलेबस डिवाइड करो, बांटो और कर लो, आप कर लोगे। तो यही तक थी हमारी आज की वीडियो, मैंने आपको बता दिया कैसे करना। जनरल टेस्ट वाले बच्चों उनके लिए मैंने वीडियो डाल दी, जाके देख लीजिएगा। नेगेटिव मार्क्स वीडियो मैंने डाल दी, उसे देख लीजिएगा। आज मैंने बताया कैसे सिलेबस को डिवाइड करना, मैथमेटिक्स की वीडियो को चैप्टर्स को कैसे सॉल्व करना है, और किस तरीके से हमें उसमें एक प्रॉपर अच्छी परसेंटाइल को, अच्छे मार्क्स को हिट करना है। सो गाइस, जो भी चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और प्ले सेक्शन को एक बार जरूर चेक करते जाइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर अवेलेबल है। एक बार जाओ प्ले सेक्शन चेक कर लो, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबा देना। ओके गाइस, यहीं तक था मैं आपके साथ, और बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आता रहूंगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।